मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के शिवराज सरकार की मंत्री इमरती देवी पर दिए बयान को लेकर राजनीति में घमासान छिड़ गया है। कमलनाथ के विवादास्पद टिप्पणी को लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति में बवाल मच गया है। इमरती देवी को आइटम बताने वाले बयान पर सीएम शिवराज लगातार सरकार पर आक्रामक हो रहे हैं। इसे लेकर शिवराज सिंह चौहान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा समेत तमाम नेता मौन धरने पर बैठे हैं। इसी बीच कमलनाथ की टिप्पणी को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस आला कमान सोनिया गांधी को पत्र लिखा है और पूरे मामले से अवगत करवाया है। उन्होंने लिखा है कि सोनिया जी, आपकी पार्टी के एक नेता और पूर्व मुख्यमंत्री ने एक महिला के खिलाफ ऐसी टिप्पणी की है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, जो अति निंदनीय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि क्या यह सही है? क्या गरीब महिलाओं का कोई सम्मान नहीं है महोदया? अगर आपको लगता है कि टिप्पणी गलत थी तो आप क्या कार्यवाही करेंगे? मैं आपको लिख रहा हूं, आप एक निर्णय ले। साथ ही पत्र में लिखा गया और कहा गया है कि उन्हें तुरंत सभी पार्टी के पदों से हटा दे और उनके बयान की कड़ी निंदा करें। यदि आप प्रतिक्रिया देने में विफल रहते हैं तो मैं यह मानने के लिए मजबूर हो जाऊंगा कि आप इसका समर्थन करते हैं। यह बताता है कि उन्होंने कहा है कि ये एक महिला की नहीं, मध्य प्रदेश के सम्मान की धज्जियां उड़ाई गई। कमलनाथ से तो कोई उम्मीद नहीं है मैडम सोनिया जी, सवाल करना चाहता हूं, आप स्वयं महिला हो, ये टिप्पणी आपकी पार्टी के नेता ने की है, क्या आप व्यथित नहीं हैं? आपको बता दें कि शिवराज सिंह चौहान ने सोनिया गांधी को पत्र लिख कमलनाथ के खिलाफ कार्यवाही की मांग की है। पहले आप भी देखिए कमलनाथ द्वारा दिया गया यह विवादित बयान। ये तो आपने आज 3 दिन पहले अखबारों में पढ़ा, शिवराज सिंह जी आएंगे, कहेंगे मैं घुटने टेकता हूं, मैं लेट जाता हूं, बड़े अच्छे कलाकार हैं, ये तो सलमान खान और शाहरुख खान को नीचा दिखा दे। शिवराज जी बंबई जाइए, वहां कलाकारी करिए, एक्टिंग करिए, आप मध्य प्रदेश का नाम तो कम से कम रोशन करेंगे। सुरेश राजे जी हमारे उम्मीदवार हैं, सरल स्वभाव के, सीधे साधे हैं, ये तो करेंगे, ये उसके जैसे नहीं है। क्या उसका नाम, जो मैं क्या उसका नाम लूं, आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं, आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है गौरतलब है कि कमलनाथ मध्य प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के लिए डबरा में प्रचार कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र राजेश के पक्ष में प्रचार करते हुए भाजपा नेता इमरती देवी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। इमरती देवी कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आई हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के आइटम वाले बयान पर बीजेपी नेता इमरती देवी ने पलटवार किया है। दरअसल मध्य प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं और कमलनाथ डबरा में कांग्रेस प्रत्याशी सुरेश राजे के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे। इस दौरान वह अपनी मर्यादा भूल गए और बीजेपी उम्मीदवार इमरती देवी को आइटम कह दिया। वहीं अजय सिंह ने जलेबी बोल दिया। इस पर पलटवार करते हुए इमरती देवी ने कहा कि ऐसे लोगों को मध्य प्रदेश में रहने का कोई अधिकार नहीं है, पता नहीं कहां से आए हैं, बंगाल से आए हैं, आज हमारे मध्य प्रदेश में महिला शक्ति को सशक्त माना जाता है, घर में लक्ष्मी माना जाता है, आज उन्होंने मध्य प्रदेश की सारी लक्ष्मियों महिलाओं को गाली दी है। उन्होंने आगे कहा कि मैं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से उन्हें पार्टी से निकलवाने की मांग करती हूं, वह एक महिला और एक मां भी है, क्या वह बर्दाश्त करेंगे कि अगर कोई उनकी बेटी के बारे में ऐसा कुछ कहेगा? देखिए आप भी इमरती देवी ने क्या कुछ कहा। सोनिया गांधी जी से पूछना चाहती हूँ कि वो भी एक माँ है, वो भी एक महिला है, और इनके चाहते ऐसे बात कर रहे, ऐसे में सोनिया गांधी जी से निवेदन करना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को अपनी कांग्रेस पार्टी में, अपनी पार्टी में ना रखें। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय अध्यक्ष में निवेदन करना चाहती हूँ एक ऐसी की महिला कि मेरे ऊपर ऐसे ऐसे शब्द बोल रहे, चाहे राहुल अजय भैया हो, चाहे कमलनाथ जी हो, अगर ऐसे शब्द बोलेंगे तो हमारी महिला कैसे बाहर निकलेंगे। बता दें कि आज ही बीजेपी नेता इमरती देवी पर दिए गए बयान को लेकर कमलनाथ के खिलाफ शिवराज ने 2 घंटे का मौन व्रत रखा था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता कमलनाथ ने भाजपा नेत्री इमरती देवी को आइटम कहकर उनका अपमान किया है, उन्हें अपने बयान पर शर्म आनी चाहिए,
शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर कहा कि नवरात्रि के मौके पर एक महिला का अपमान पूरी नारी जाति का अपमान है। इसके लिए उन्हें ना सिर्फ इमरती देवी से बल्कि पूरी नारी जाति से माफी मांगनी चाहिए। बहन का अपमान मध्य प्रदेश की एक एक बेटी का अपमान है। ये मध्य प्रदेश की जनता सहनी चलेगी और ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सहनी चलेगा। कार्यकर्ता भाइयों, कल मैं इसके खिलाफ उपवास तो नवरात्रि से चल रहे, लेकिन भोपाल में 10 बजे से लेकर 12 बजे तक मौन बैठूंगा। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.